बिल्कुल, चलिए आपका रुख करूंगी। प्रशांत लगातार मेरे साथ बने हुए कोटद्वार से। प्रशांत, अगर कोटद्वार की हम बात करें तो यहाँ पर महिलाएं कितनी जागरूक हैं, क्योंकि अगर मंगलौर की मैं बात करूं तो मंगलौर में भारी संख्या में महिलाएं निकली हुई हैं वोट डालने के लिए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे महिलाएं जो है अभी बहुत कम संख्या में देखी जा रही थी, और अभी भी आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो एक भी महिला यहाँ पे नहीं दिख रही है जो वोट डालने आए। यहाँ पे अभी तक सिर्फ 5 से 7 महिलाएं जो हैं इस पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए आई थी, और यहाँ पे कुछ खास असर नहीं दिख रहा है कि महिला इतनी जागरूक है कि वोट डाले। बिल्कुल, और इसके अलावा प्रशांत ये बताइए कि कोटद्वार में कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर तमाम पार्टियां पहुंची आम जनता के बीच और कहा कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देंगे, और आम जनता ने किस पर विश्वास जताया है? आम आदमी पार्टी का कितना असर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस को भी देख लिया, 10 साल भाजपा को भी देख लिया है। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि कोटद्वार की जनता की सबसे पहली मांग थी कि इसको जिला बनाया जाए, और जबकि इसको जिला ना बनाने के बजाय इसे नगर निगम सौंप दिया गया था। यहाँ पे इससे भी जनता काफी नाराज नजर आ रही थी। यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज बनना था, जो मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बन पाया है। अगर बरसाती पानी की बात करें तो यहाँ पे एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। तो ये मुख्य समस्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मुख्य समस्या यही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी एक जज्बा दिखाई दे रहा है कि हम भी देखेंगे कि वोट कैसे डलते हैं। बात करें, हम इस समय हमारे साथ हैं यहाँ पे समाज सेवी सुधीर मगोड़ा, काफी अच्छा ये कार्य करते हैं कोटद्वार में। इनसे पूछते हैं क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहे। देखिए, उत्तराखंड को बने हुए लगभग 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब बातें अगर उत्तराखंड के हित की करें तो जो हाल यूपी में थे उससे बदतर से बदतर हालत इस वक्त उत्तराखंड की है, और इसमें कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी रही हैं, ये जो यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे रहे हैं वो राष्ट्रीय पार्टी उनको भुना नहीं पाई है, क्योंकि जल जंगल जमीन के मुद्दे भी वैसी के वैसी हैं, पलायन का मुद्दा भी वैसी वैसी है, पहाड़ों में रोजगार का मुद्दा वैसी का वैसी है, और गाँव में जो पानी की समस्याएं हैं वो बच्चस की तरह हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों का कहीं ना कहीं जो पार्टियाँ 21 साल से राज करती हुई आ रही हैं तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। जहाँ तक मैं बात करूँ पहाड़ों की, तो पहाड़ के हित की बात अभी तक नहीं हो पाई है, और इस वक्त मैं अगर कोटद्वार की बात करूँ तो कोटद्वार में जो पिछले 5 साल जो यहाँ पर कटे हैं ये बहुत बुरे कटे हैं। ऊपर से कोरोना आ गया है। कोटद्वार की जनता जो है, जो निगम बनाने के बाद उन्होंने सपने देखे थे कि हमें अच्छी लाइट मिलेगी, सफाई मिलेगी, अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी सड़कों की, तो वो नहीं हो पाई है। यहाँ पर रोना यही रोया गया कि मेरे पास बजट नहीं है। बजट का रोना यहाँ पर रोया गया। कहीं ना कहीं ये छलावा यहाँ पर हुआ है कि जब यहाँ पर अच्छे नेता लोग आए उनको वो हार गए, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे तो मुख्यमंत्री कोटद्वार की जनता ने उनको हरा दिया। एक गलत निर्णय था, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री यहाँ से रहते तो शायद चौमुखी विकास होता, द्रुत कैसे विकास, वो भी डिसीजन गलत हुआ। 17 में यहाँ पर भाजपा सरकार जीती तो 18 में निगम के चुनाव हुए। अगर निगम के चुनाव में सत्ताधारी दल का मेयर बनता तो शायद और अच्छा विकास होता, पर जनता ने एक निर्णय ले लिया कि विपक्षी दल के नेता को जिता दिया। उससे 3 साल से यहाँ पर एक ही रोना रोया जा रहा है कि हम पे बजट नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कोटद्वार की जनता से हुई है, इसको समझना होगा। भगवान जी, आपको क्या लगता है कि अब यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है, कितना असर दिखेगा? बड़ा लार्ज वोटर है, बहुत जो गरीब तबके का लार्ज वोटर है वो आम आदमी पार्टी लेके जा रही है, और कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे यहाँ पर धीरेन्द्र सिंह चौहान जी खड़े हैं उससे भाजपा को नुकसान हो रहा है, और जो धीरेन्द्र सिंह चौहान जी के गढ़ हैं वो अगर उस गढ़ पर अगर आप उनका, जहाँ उनका घर है, उनके घर के अगल बगल के जो 4 उनकी जो वार्ड है, अगर आप उनकी बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम वोटर जो है ये कांग्रेस का है, और कांग्रेस का वोटर उनके साथ ओपन घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और चौहान जी ये बड़े लार्ज स्केल में कांग्रेस का वोटर वोट खा रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए अच्छी बढ़त है।